डॉक्टर विजय बजाज जो कि तहसील हटा जिला दमोह के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में उन्होंने इस तरह की प्रार्थना की गई है कि जो कि कोर्ट की लाइव स्ट्रीम वीडियोस का मिसयूज़ इलीगल तरीके से शेयर और एडिट किया जा रहा है यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, उस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थगन किया जाए और जितने भी यूट्यूब और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रोका जाए कि इस तरीके से 2000 जो नियम बने हुए हैं लाइव स्ट्रीमिंग, एमपी हाईकोर्ट के लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में नियम का उल्लंघन जो करके जो वीडियोस चल रहे हैं उस पर रोक लगाने की मांग की गई। इस याचिका के तहत उन्होंने ये भी प्रार्थना की है कि जितना भी इलीगल तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है यूट्यूब के चैनल्स के द्वारा और फेसबुक और जितने भी मेटा के प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये जितनी भी कंपनीज हैं इनके द्वारा जो जो मिसयूज़ करते हुए जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है किया जा रहा है वो सारा रेवेन्यू उनके कंपनी से किया जाए, इसकी रिकवरी की जाए। इसके साथ ही इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल और पीनल एक्शन लेते हुए इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। इस लाइव स्ट्रीमिंग का इतिहास एमपी राज्य में बहुत ही नया इतिहास है। पहले 2021 में दो याचिका लगी गई दो पत्रकार के द्वारा। उस याचिका के लंबित रहने के दौरान ई कोर्ट की कमिटी जो है हाई कोर्ट की, उन्होंने फैसला किया कि जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। चूंकि ये फैसला कमिटी के द्वारा कर दिया गया था तो वो पिटिशंस इंफ्रक्चर्स होते हुए वो डिस्पोज हो गई। उस पिटिशंस के डिस्पोज होने के बाद 2021 में लाइव स्ट्रीमिंग के रूल्स बने गए। रूल्स में बकायदा लिखा गया है, जैसे रूल 11 है उसमें लिखा गया है कि आप उसको इलीगल तरीके से ना कोई यूज़ करेगा, ना ही शेयर करेगा, ना एडिट करेगा। इस रूल के बाद कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जिसमें 376 के मुकदमे, पॉक्सो संबंधी मुकदमे, जो सेंसिटिव मुकदमे हैं, जो दो धर्म को लड़ाने की बात करते हैं, ऐसे मुकदमे के संबंध में कोई भी किसी टाइप का आप शेयर यूज़ एडिट करके नहीं वो करेंगे। उसके बावजूद भी आप देखेंगे बहुत पिछले 1.5-2 साल से यूट्यूब के द्वारा और बाकी सोशल मीडिया के द्वारा बिल्कुल रूल्स को ताक पे रखते हुए और उनका उल्लंघन करते हुए ये इस तरीके से सारे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को दिखाया जा रहा है, जो कि न्यायालय की प्रक्रिया और न्यायालय की कार्य प्रणाली पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। दूसरा, न्यायालय की गरिमा को भंग करते हुए उसको धूमिल करती है। इस वीडियो को मिसयूज करते हुए आप देखेंगे यूट्यूब में कमेंट का सेक्शन होता है जिसमें कि लोगों को ये आज़ादी और स्वतंत्रता रहती है कि वो जजेस और जो अधिवक्तागण हैं और जितने भी पक्षकार हैं उनके अगेंस्ट कमेंट करने की स्वतंत्रता दे दी गई है। तो कोई भी व्यक्ति जो जानकार नहीं भी है वो भी कोर्ट की बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री भाषा में उपयोग करते हुए, बहुत गंदी भाषा का उपयोग करते हुए वो वीडियोस उसमें कमेंट करता है। तो इन सबको रोकने के लिए जनहित याचिका लगाई गई। कोर्ट ने पूरे पक्षकारों को सुनते हुए इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाया गया, यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया, इसके साथ ही हाई कोर्ट को पार्टी बनाते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे पार्टी बनाते हुए जितने भी प्राइवेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पार्टी बनाया गया। कोर्ट ने सुनते हुए और ये मानते हुए प्रथम दृष्टया है कि रूल 11 का उल्लंघन है, सारे मीडिया हाउसेस को ये निर्देश दिया है कि फोर्थविथ वो जितनी भी प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की इलीगल तरीके से ना शेयर करेंगे, ना अपलोड करेंगे, ना एडिट करके उसको ट्रांसमिट करके अपलोड करेंगे। इसको स्टे करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई इसको 17 दिसंबर की रखते हुए सारे मीडिया हाउसेस से इसके संबंध में जवाब मांगा है। स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन ऑफ इंडिया को और हाई कोर्ट को अपना स्पष्ट स्टैंड रखने के लिए आदेश दिया है और इसके साथ स्थगित करते हुए प्रकरण को आगे बढ़ा दिया गया है 17 तारीख के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.